तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस एडिट्स में। तो गाइज हम आज एडिटिंग करने वाले हैं, बहुत बढ़िया वाली। तो गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना आप। और बात नीचे कमेंट आपको बताना आपको वीडियो कैसी लगी, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और गाइज आज की वीडियो जो है ना बहुत ही बढ़िया होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना ताकि आप उस ट्यूटोरियल से ज़रा सा भी मिस ना हो। तो गाइस चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस मैं अपने मॉडल को ले लेता हूँ, यहाँ से गैलरी में जाएंगे। गैलरी में गाइस मैं विजय महार का फ़ोटो ले लेता हूँ। तो गाइस हम इसे शेयर करते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन में। पहले लाइट रूम में से शेयर करते हैं। तो दोस्तों ये पिक हमारा आ चुका है यहाँ लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो आपको गाइस क्या करना है, पहले आपको यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन पर जाना है, इसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम करना है, एंड कॉन्ट्रास्ट को भी नहीं छेड़ना, हाईलाइट्स को थोड़ा बढ़ाना है, मतलब घटाना ही है, शेडोज को थोड़ा कम करना है, वाइट्स को बढ़ाना है, ब्लैक्स को बढ़ा देना है आपको। एंड अब आपको है कलर वाले टूल में कलर का टेम्परेचर माइनस में रखना है आपको। -2 रख दें, एंड वाइब्रेंस बढ़ा दें फोटो की, -4 सैचुरेशन कर दें, एंड मिक्स वाले टूल में आना है आपको, और एज में आके इसकी लुमिनेंस को आपको इंक्रीज करना है, एंड आपको येलो की सैचुरेशन कम करनी है, ग्रीन की सैचुरेशन कम करनी है, एंड अब आपको जो है ब्लू है, ब्लू की सैचुरेशन आपको बढ़ानी है, इस वाले ब्लू की आपको कम नहीं करनी, थोड़ा सा इंक्रीज करना है, यहाँ से आपको डन कर देना है। एंड अब आपको जो है विग्नेट वाले टूल में इसकी आपको क्लैरिटी इंक्रीज करनी है, विग्नेट डाल देना है थोड़ा फोटो के अंदर, और यहाँ से आपको शार्पनिंग के टूल में आना है, शार्पनिंग थोड़ी सी इंक्रीज कर देना है इसकी, नॉइज़ रिडक्शन इंक्रीज कर देना है, कलर नॉइज़ रिडक्शन, स्मूथनेस को आपको इंक्रीज कर देना है। एंड गाइज एक चीज़ और डालते हैं हम, गाइज यहाँ आपको सेलेक्टेड टूल्स है, सेलेक्टेड टूल्स में जाएंगे, प्लस में जाएंगे, एंड यहाँ पे से ले लेंगे, एंड गाइस इसे नीचे से लेके ऊपर तक पूरे में यहाँ एक ग्रीन, मतलब ग्रीन इफेक्ट देंगे थोड़ा सा। और गाइस आपको क्या करना है, यहाँ कलर पे आ जाना है, कलर पे आना है आपको, थोड़ी सी इसकी सैचुरेशन इधर कर देना है, वो थोड़ा छेड़छाड़ कर लेना है आपको, इसे भी थोड़ा सा इधर रखना है, एंड गाइस यहाँ से आपको डन कर देना है। ओके गाइस यहाँ से आपको इसे बिल्कुल डन कर देना है, गाइस इसे सेव कर दें यहाँ से। गाइस सेव हो रहा है, तो गाइस हम अपना पिक्सआर्ट को ओपन कर लेते हैं, पिक्सआर्ट में चलते हैं गाइस। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइज आपको इसे थोड़ा सा क्रॉप करना होगा, इसलिए आपको टूल में जाना है, टूल में आपको क्रॉप पर जाके इसे थोड़ा नीचे से एंड साइड से क्रॉप कर देना है, एंड ऐसे आपको डन कर देना है। तो गाइज कुछ इस तरीके का होएगा। तो गाइज हम इसमें कुछ PNG ऐड करेंगे जो कि फ्यूचर के हैं, फ्यूचर रियलिस्टिक फ़ोटो के हैं, रोबोट के। तो यहाँ ऐड फोटो पर जाएंगे, हम यहाँ पर जाएंगे एंड डाउनलोड पर जाएंगे। तो यहाँ से हम ये PNGs ऐड करेंगे कुछ, एंड यहाँ ब्लाइंड पे जाएंगे, हम इसे स्क्रीन कर देंगे, छोटा करना है गाइस आपको, इसे इस जगह पर लगा देना है, छोटा कर कर इस जगह पर, एंड आपको दोबारा प्लस के आइकन पे आना है, यहाँ से आपको फोटो चूज करना है, और यहाँ से डाउनलोड में ये वाला ले लेना है, एंड यहाँ से आपको इसे ब्लाइंड करके स्क्रीन कर देना है इसे भी, एंड गाइस आपको इसे यहाँ लगा देना है बस।
दो गाइस, एंड अब आपको आ जाना है दोबारा प्लस के आइकन पे आना है, यहाँ से ऐड फोटो को जाना है आपको। ऐड फोटो में आके आपको ये वाला पीएनजी है, इसे ले लेना है एंड इसे भी आपको स्क्रीन कर देना है ब्लाइंड पर जाके, एंड इसे छोटा करना है और इनके ईयर पर लगा देना है आपको इस ऐसे। ओके गाइस, थोड़ा सा ऊपर हो गया है, यहाँ पर सही है। एंड प्लस के आइकन पे जाना गाइस, हम दो तीन पीएनजी अब एक साथ ले लेंगे। गाइस मैं ऐड कर लेता हूँ पीएनजी, खूब सारे पीएनजी ले लिए हैं, इसे यहाँ रखेंगे, इसे यहाँ रखेंगे, इसे यहाँ, इसे यहाँ। एंड गाइस से आपको ब्लाइंड पर जाना है, इसे स्क्रीन करना है एंड छोटा करके गाइस इनके चश्मों में आपको इसे टर्न लगा देना है। एंड गाइस हम दोबारा ऐड करेंगे एक और पीएनजी, इतने पहले हम वो जो पहले ऐड करें हमने पीएनजी उन्हें ऐड कर लेते हैं, चलिए आते हैं। इसको आपको स्क्रीन कर देना है ब्लाइंड पर जाकर, इसको इस जगह पर कर देना है सेट छोटा करके। ओके गाइस, एंड यहाँ से ये वाला पीएनजी ले लेंगे, इसे करना है आपको स्क्रीन, इसे गाइस छोटा करना है आपको और इसे इस जगह पर लगा देना है। ओके गाइस, और ये वाले पीएनजी को ले लेना है, इसको आपको ब्लाइंड करके स्क्रीन करना है, घुमा देना है इसे इधर। एंड गाइस जो हमने ये वाला पीएनजी लगाया ना, इसके ऊपर इसे सेट करना है छोटा करके, इसे और छोटा करेंगे थोड़ा, इस तरीके से इधर सेट कर देंगे। एंड ये वाला पीएनजी है, इसको हम यहाँ पर ब्लाइंड पर जाके स्क्रीन करेंगे, इसे छोटा कर लेते हैं हम, इसे इस जगह पर लगा देते हैं थोड़ा सा और इधर करके। आपको गाइस इरेजर पर जाना है, इरेजर की आपकी हार्डनेस फुल रखनी है एंड इसे गाइस जो एक्स्ट्रा पार्ट बाहर निकलना है ना, आपको इसे इरेज कर देना है। गाइस एंड गाइस ये लास्ट पीएनजी है, इसको भी यहाँ ऐड कर लेंगे। कोई सा पीएनजी रह तो नहीं गया, एक रह गया है गाइस, इसको आपको यहाँ पे ब्लाइंड करके स्क्रीन करके इसकी इधर लगा देना है ऊपर। तो ये सारे पीएनजी ऐड हो चुके हैं एंड हमारा फोटो तैयार भी हो चुका है। और गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इसे सेव करना है, हमें दोबारा लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करना होगा। तो गाइस लाइटरूम एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, जो रेड रेड हमने पीएनजी ऐड करे ना, इसमें थोड़ी अभी चमक नहीं आ रही है, तो गाइस चलिए चलते हैं लाइट रूम में इसमें चमक लाने के लिए। एंड गाइस आपने अपना लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन कर लिया है, तो गाइस मैं बता दूं, मैं गाइस ये वाला पीएनजी जो है ना ऐड करना भूल गया था पिक्साइड में, तो मैंने दोबारा ऐड कर लिया है। तो आपको क्या करना है गाइस, यहाँ से आपको लाइट वाले ऑप्शन पर जाना है, इसका एक्सपोजर आपको कम करना है, थोड़ा और कम कर दें एंड कॉन्ट्रास्ट को इनक्रीज़ करना है थोड़ा सा, हाइलाइट्स को बढ़ा दें, शेडो को बढ़ाएं, वाइट्स को और ब्लैक्स को बढ़ा दें एंड लाइट वाले ऑप्शन पे आएं, टेम्परेचर माइनस में रखेंगे, वाइब्रेंस बढ़ाएंगे, मिक्स टूल में आएंगे, मिक्स में आपको रेड की जो है ना सैचुरेशन आपको हाई करनी है एंड लुमिनेंस को कम करना है, जो कि हमारी जो पीएनजी लगाया ना हमने ये चमके। ओके गाइस, एंड ऑरेंज पे आके इसकी लुमिनेंस को आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है एंड आपको ग्रीन पर आना है, ग्रीन की आपको ह्यू को थोड़ा सा ही कम करना है, ज़्यादा नहीं, मतलब सैचुरेशन को ज़्यादा कम नहीं करना है क्योंकि हमारे फोटो में ग्रीन ज़्यादा था। एंड यहाँ से डन डन करना है आपको।
तो गाइस हमने यहाँ इसे एडजस्ट कर लिया है एंड आपको आ जाना है क्लैरिटी टूल में। क्लैरिटी में आके आपको क्या करना है, इसकी क्लैरिटी थोड़ी इंक्रीज करनी है एंड विगनेट को थोड़ा डाल देना है फ़ोटो के अंदर, और शार्पनिंग वाले टूल में आके इसकी शार्पनिंग थोड़ी सी इंक्रीज करनी है, नॉइज रिडक्शन इंक्रीज करनी है, कलर नॉइज रिडक्शन एंड स्मूथनेस आपको स्क्रीन करनी है। एंड अब आपको क्या करना होगा, एंड अब आपको कुछ नहीं करना गाइस, हमारी फ़ोटो एकदम तैयार हो चुकी है। तो गाइस आप बताना नीचे कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करके बेल को जरूर दबाना जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।